नमस्कार, लोकल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आज जनसभा करते हुए तेजस्वी यादव ने बोला कि मुख्यमंत्री बनने के बाद दूंगा 10 लाख नौकरियां। चिनारी विधानसभा क्षेत्र के नौहट्टा प्रखंड क्षेत्र के नौहट्टा हाई स्कूल के प्रांगण में राजद के तेजस्वी यादव ने किया जनसभा। मंच का संचालन रोहतास राजद जिला उपाध्यक्ष दिनेश प्रसाद ने किया तथा सभा की अध्यक्षता राजद जिला अध्यक्ष गिरजा चौधरी ने किया। वहीं तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर चुनावी हमला बोलते हुए बताया कि नीतीश कुमार शारीरिक एवं मानसिक रूप से थक गए हैं, अब उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। हमारी सरकार में सभी को बराबर समान मिलेगा। 15 वर्षों में नीतीश कुमार ने बिहार को ठगने का काम किया है, अब जनता उन्हें भलीभांति समझ चुकी है। अब हमारी सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। वहीं तेजस्वी ने भाजपा और जदयू पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि 15 वर्षों में प्रदेश में सुई का भी एक कारखाना नहीं लग सका, लेकिन हमारी सरकार बनी तो प्रदेश में व्यापक रूप से कल कारखाना लगाने की प्राथमिकता दी जाएगी। युवा वर्ग हमारे साथ है, युवा बिहार में बदलाव चाहती है। मैं युवाओं का भविष्य संवारने का काम करूंगा। छात्रों को फार्म भरने का शुल्क नहीं लगेगा, परीक्षा केंद्र तक जाने और आने की मुफ्त सुविधा मुहैया कराई जाएगी। किसानों का ऋण माफ़ किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह, जीविका, आंगनबाड़ी, विकास मित्र को नियमित करने का आश्वासन दिया। वहीं तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर राजनीतिक धोखा देने का आरोप भी लगते हुए कहा कि बिहार की जनता को छलने का काम उन्होंने किया। उन्होंने शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन की वचनबद्धता दोहराई और जोर देकर कहा कि उनकी सरकार बनी तो कोई भेदभाव नहीं होगा, कानून का राज रहेगा। अपने भाषण में जनता की ओर इशारा करते हुए खूब हामियां भरवाई और जनता की खूब तालियां बटोरी। चिनारी विधानसभा महागठबंधन के प्रत्याशी मुरारी प्रसाद गौतम को जिताने का जनता से दोनों का हाथ उठाकर आश्वासन मिलने के बाद जीत का माला पहना दिया। तेजस्वी ने पूर्व बीजेपी सांसद प्रतिनिधि राम प्रवेश पासवान को राजद की सदस्यता दिलाई। मंच पर मौजूद रहे कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष सत्येंद्र दुबे, राजद प्रखंड अध्यक्ष मुनीर अंसारी, संजय सिंह, रामचंद्र यादव, पद्म प्रसाद, देवनंदन महतो, दिनेश राम, हीरा राम, दीपक यादव, अमित यादव, राजकिशोर सिंह, दुर्गा सिंह, नंदू यादव, संतोष यादव, नवी अहमद, सुरदेव पाल, प्रखंड अध्यक्ष चिनारी। आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, 15 साल से डबल इंजन की सरकार है। ना तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना तो विशेष पैकेज मिला, ना गरीबी दूर कर पाए, ना रोजगार दे पाए, ना गरीबी मिटा पाए, ना भुखमरी मिटा पाए, ना पलायन रोक पाए, ना एक भी कारखाना लगा पाए। ईमानदारी से नौजवान सब लोग यहाँ बताओ, हाथ उठा करके, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं।